हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज है 7 जून, तो मैं अभी निकल चुकी हूँ ऑफिस से। सो आज के व्लॉग को ही से स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ मोमोज लेने के लिए। एक्चुअली मेरी जो एक वीडियो थी मेरी सिस्टर के हेयर कट वाली, तो उसमें मतलब 4 घंटे में 90 व्यूज़ आ गए थे, मतलब 9090। तो मेरी बहन ने कहा वो मैंने देखे इतने व्यूज़ आ गए थे वीडियो पर मोमोज ले कराना। सो अभी जाती हूँ फिर उसके लिए मोमोज लेने के लिए। सो चलिए चलते हैं। वो आंटी भी चली गई, वो आंटी भी थी। 3 प्लेट मोमोज पैक कर दो। खाने नहीं है यार, पैक ही करने हैं बस, घर जाके खाऊंगी। प्लीज लड़के, ये यूट्यूबर है, ये गंजी हो चुकी है। हैं यूट्यूबर है, हमारी गंजी हो चुकी है। या स्नैपचैट। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग। मैं आई हूँ घूमने के लिए। थे ड्रामेबाज बच्चे कुछ हल्ला कर रहे थे। हमारा फ्राइडे को नहीं आया था पानी, मतलब फ्राइडे को नहीं, हमारा पानी ही नहीं आ रहा 2-3 महीने से। तो फ्राइडे को हो चुका था चक्का जाम। हमारे यहाँ नहीं आ रहा था 2-3 महीने से पानी, मतलब बहुत ही कम आ रहा है। बट हमारे पास जो उधर ट्यूबवेल लगा है वहाँ का पानी आता है। नहीं नहीं, थोड़ा और झूठ हो जाएगा। इसको और सच में नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा, रीजन भी तो जान लो। तो हमारे नहीं आ रहा था पानी 2-3 महीने से, मतलब हम लोग वो ट्यूबवेल का पानी यूज कर रहे थे। तो अभी हमें कल ही परसों पता चला है कि उधर वाली जो सोसाइटी है, उधर वाली जो वो है कॉलोनी है, वहाँ पर एक पाइप टूटा है। तो अभी हम पहले जा रहे हैं उसकी फोटो लेने के लिए, तब हम कल पानी वाले वहाँ जाएंगे तो उनको दिखाएंगे। पानी वाले के वहाँ जाएंगे फिर दिखाएंगे। तो इसलिए अभी वहाँ पे कंप्लेंट करानी होगी, तो कंप्लेंट में वो पूछेंगे कि वहाँ पे टूटा है, क्या टूटा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस वजह से हम वहाँ की इंक्वायरी करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ ये सब लोग कर रहे हैं। हाय गाइस, मेरा डिपार्टमेंट है, ये सब लोग हैं। तो मेरे साथ वो करने जा रहे हैं सर्चिंग, साइट पे जा रहे हैं हम लोग चेक करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं। देख सकते लगभग लगभग हमारे चरण जाने वाले हैं, बोले इसी वाली रोड में है, आगे वाली रोड पे वहाँ से चलेंगे। आंटी वो यहाँ पे पाइप कहाँ पे टूटा है पता है क्या? किधर? वहाँ पे टूटा है। हाँ, पानी का पाइप टूट गया ना हमारे उधर वाला, कह तो रहे थे कोई पता नहीं यार किधर टूटा है, यहाँ पे। हम देख आगे 2-3-4-5 तुम वैसे सबसे ज्यादा कहीं तो नहीं टूटा होगा ये? यहाँ पर पानी तो है, पर यहाँ पर कहाँ टूटा होगा दिख ही नहीं, पानी नीचे छुप गया होगा। पानी नीचे हाथ डाल, यहाँ टूटा होगा पानी नीचे हाथ डाल के। अरे ऐसे दिखाई देगा, मुझे लगा कहीं दिखा दिखेगा यार। यहाँ पर थोड़ा टूटा होगा यार, कैसी बात कर रहे हो। देखना जरा छाया, छाया चेक करने वाली है इसके अंदर कोई पाइप है कि नहीं है। जांच करिए पानी कहाँ से आया। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं कि पानी आ गया, यहाँ टूटा है पाइप, तो यहाँ कुछ दिखाई देगा तब तो फिर से चलेगा। कह रहे थे खेत भर रहा है, ये वाला खेत भर रहा होगा क्या पता पानी। अभी नहीं, अभी नहीं आया है ना, शाम को आता है ना, शाम को आता है। लोगों को साइड पे कुछ नहीं मिला, तो हम लोगों को सिर्फ एक गड्ढा मिला, उसमें भी पानी ही भर रखा था, उससे कुछ पता ही नहीं चल सकता वो, क्योंकि जमीन के अंदर होता है, तो वो पाइप हमको दिखा नहीं। तो अब हम सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, कोई सबूत नहीं लेके जा सकते, पानी खोद के निकालेंगे तो सबूत हमें नहीं मिल पाया। अब हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे, तब वो आके खुद चेक करेंगे कि क्या है, क्यों नहीं आ रहा पानी। अब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि पाइपलाइन टूटा, उन्होंने बुझ लगा दिया था। अब हम उनसे बोलेंगे हमारा पानी नहीं आ रहा, पानी तो 3 महीने का बिल दिया है हमने, बिल उन्होंने पाइप में लगा बिल दिया नहीं है, बिल देने जाना है ना, बिल पहले ही तभी दूंगी जब पानी दोगे। ओ ये खेत जोत रखा है तो इसमें बहुत वैसा वाला मिट्टी हो रहा है जो हमारा पैर फंसा रहा है। इसको देखना, इसको देखना, बल्द नहीं है, नहीं है वो बल्द, बल्द क्या होता है, जोत ले खेत जोत दे। सो फ्रेंड्स आज भी बना
लगाने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। तो आप भी अपने लोकल मार्केट से मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपके मार्केट में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसका पाउडर आता है। सो मुल्तानी मिट्टी को लिया मैंने और फिर उसके बाद में से एक बाउल में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। जब ये अच्छे से भीग जाएगी तो ये अपने आप ही आपका पेस्ट बनने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि आप इसे हाथ से तोड़ लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं टूटेगा। तो मैंने इसको 15 से 20 मिनट पानी में रखा, अब ये अपने आप ही मेल्ट हो गया। फिर मैंने उसको हाथ से अच्छे से वो करके इसका पेस्ट बना दिया। तो अभी जो मेरा रेडी हुआ पेस्ट है उसको मैं एक कटोरी में ले लूँगी थोड़ा सा, और अभी इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क। तो मिल्क तो सभी के घर में अवेलेबल होगा, तो अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो अगर आप इसको वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करते हैं तो आपको अपने आप ही फेस पे डिफरेंस दिखाना शुरू हो जाएगा। और समर्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं इसे फेस पे लगा लेती हूँ, आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करें।